हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गर्मियों की स्पेशल रेसिपी। गर्मियाँ तो आ ही गई है, तो आज मैं आपके साथ अलग रेसिपी शेयर करूँगी। वो है गर्मियों में पिए जाने वाला ठंडा ठंडा बादाम मिल्क शेक। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए सामग्री नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा बादाम कटा हुआ, काजू, पिस्ता, 2 चम्मच लिया है कस्टर्ड पाउडर, थोड़े से मैंने केसर के धागे लिए हैं, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़े से बादाम मैंने रात भर पानी में भिगो कर लिया है। बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई के अंदर फुल करीम 1 लीटर दूध लिया है और दूध को उबाल आने तक इसे गर्म करना है। दूध के अच्छे से उबाल आ गया है, दूध को अब रेगुलर चलाते हुए 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। लो फ्लेम करके इसे छोड़ देती हूँ। दूध पकता रहेगा और बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूंगी। दूध पक रहा है, तब तक मैं बादाम छिलकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे बादाम छिलकर तैयार कर लिया है, अब इसे पीसकर तैयार करूंगी। तो मैंने यहाँ पे ग्राइंडर डाल लिया है, इसके अंदर मैं बादाम डाल देती हूँ, थोड़ा सा दूध ऐड कर देती हूँ। दूध डालने से ये आसानी से पीसकर तैयार हो जाएंगे। 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देती हूँ। अब इसे पीसकर फाइन पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। बादाम का पेस्ट बनकर तैयार है, ये देखिए, इस तरह का पेस्ट बनाकर तैयार करना है। केसर वाला दूध तैयार कर लेती हूँ, तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर देती हूँ। इससे बादाम मिल्क शेक के अंदर बहुत ही अच्छा कलर आएगा। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसे भी मैं तैयार कर लेती हूँ। ये डालने से दूध थोड़ा सा टाइट हो जाता है। अब चलते हैं दूध की तरफ। ये देखिए, दूध पहले से थोड़ा सा टाइट हो गया है। चार टेबलस्पून चीनी ऐड करूंगी। 1 चम्मच चीनी मैंने पहले बादाम पीसते वक्त डाल दी थी। मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हो। बादाम वाला पेस्ट डाल देती हूँ। केसर वाला दूध ऐड कर देती हूँ। ये कस्टर्ड का घोल डाल देती हूँ। इसको एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है और साथ में चलाते रहना है। रेगुलर चलाते हुए इसे 1 से 2 मिनट तक पकाना है। इस तरह का टाइट होने तक इसे पकाना है। ये देखिए, चम्मच अच्छे से कोट हो जाए, ये देखिए इतना टाइट होना चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं करना है इसको। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। बादाम, काजू, पिस्ता, इलायची पाउडर सभी को अच्छे से मिलाना है। ये लीजिए, हमारा बादाम मिल्क शेक बनके तैयार है। इसे पहले ठंडा करना है और ठंडा होने के बाद इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखिए, मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, ये एकदम चिल ठंडा हो गया है।
अब मैं इसे ठंडा ठंडा सर्व कर देती हूँ। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से और डाल देती हूँ। केसर के धागे और डाल देती हूँ। बादाम मिल्क शेक को जब पीते हैं तो ड्राई फ्रूट दांतों के नीचे आते हैं तो उसका टेस्ट दोगुना और बढ़ जाता है। बादाम मिल्क शेक बहुत ही ज्यादा क्रीमी, गाढ़ा और डिलीशियस बनके तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई जरूर करना। अगर आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई करते हो तो इसका फीडबैक जरूर देना, कैसी लगी रेसिपी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय फ्रेंड्स।